अपने फ्रिज में काउंटलेस चीज़ें स्टोर करते हैं, समर्स में और भी ज़्यादा, और मानसून में ऑलमोस्ट एवरीथिंग गोज इन द फ्रिज। तो ऐसे में इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखें। इससे ना सिर्फ हम अपना टाइम सेव करते हैं बिकॉज वी डोंट हैव टू लुक फॉर थिंग्स, बट ऑल्सो हम अपना मनी भी सेव करते हैं, क्योंकि जब फ्रिज ऑर्गेनाइज होता है तो एयर प्रॉपरली सर्कुलेट होती है, और जब सारी चीज़ें विजिबल होती हैं तो ना ही कुछ ख़राब होता है और ना ही वेस्ट होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। हाई गाइज, माई नेम इज़ इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ हर फैब वे। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करेंगे। पहले मैं इस तरह से मेश पैक्स में वेजिटेबल्स स्टोर करती थी, जिसमें मुझे एक वेजिटेबल ढूंढने में थोड़ा सा टाइम भी लगता था। 3-4 days में ही ये बॉक्स पूरा मेसी हो जाता था, एंड आई ऑलवेज हैड टू मेक श्योर कि टोमेटो सबसे ऊपर की तरफ रहे, किसी भी वेजिटेबल के नीचे दबकर ख़राब ना हो जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वेजिटेबल बॉक्स का ये बेस बहुत जल्दी डर्टी हो जाता था और इसको मुझे फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ता था। इन ऑल दिस सिस्टम वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ये बास्केट ली है, जिसके अंदर 3 smaller bins हैं। उसके बाद मैंने ये फूड रैपिंग पेपर यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक रेगुलर टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। उसका एक छोटा सा पीस हम यहाँ बास्केट के बेस पर लगा देंगे, और इस तरह से मैंने 6 baskets रेडी कर ली हैं। अब हम इन सभी वेजिटेबल्स को इन बास्केट्स में रख लेंगे। लेडी फिंगर को ज़्यादा टाइम के लिए फ्रेश रखने के लिए आप उसी पेपर में इनको रैप करके रख सकते हैं। हमारी बास्केट्स रेडी हो चुकी हैं, अब हम इनको वेजिटेबल बॉक्स में रख लेंगे। सो एज यू कैन सी, हमारी सारी वेजिटेबल्स अरेंज हो चुकी हैं, ऑल ऑफ देम आर विजिबल, और इवन आफ्टर वीक्स आपका वेजिटेबल बॉक्स कम्प्लीटली मेस फ्री रहता है। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि इन बास्केट्स को यूज करके आपका वेजिटेबल बॉक्स भी बिल्कुल क्लीन रहता है। सिमिलरली आप फ्रिज में अपने फ्रूट्स को भी अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये बास्केट्स ली हैं, जो कि बहुत ही स्टर्डी हैं। बास्केट्स के दोनों एंड पर ये हैंडल्स हैं, जिसकी वजह से आप इनको इजीली होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आपके सभी फ्रूट्स और एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स बहुत ही कम स्पेस में स्टोर हो जाते हैं। एंड द गुड पार्ट इज़ कि ये बास्केट्स काफ़ी डीप हैं, जिसकी वजह से शेल्व्स के पीछे की स्पेस वेस्ट नहीं होती। अब हम उन फूड आइटम्स की बात करेंगे जिनको हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स, कोकोनट, ग्रीन चटनी या ड्राई टैमरिंड। इन सभी फूड आइटम्स को हमें लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रखना होता है, बट ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फ्रीज देम। इसलिए इन सभी फूड आइटम्स को आप उस शेल्फ में स्टोर करें जिसमें एयर वेंट हो। As compared to other shelves, इस शेल्फ में टेम्परेचर लोअर होता है, इसलिए आपके फूड आइटम्स लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रहते हैं। आप अपना लेफ्ट ओवर फूड और डो भी इसी शेल्फ में स्टोर कर सकते हैं। Similarly, the shelf just below the freezer is best to store all dairy products. सबसे पीछे मैं रख रही हूँ दही के लिए खट्टा। उसके बाद मैंने ये बास्केट ली है, इसके अंदर मैं रख रही हूँ चीज़ क्यूब्स, पनीर, चीज़ स्लाइसेस एंड मिल्क मेड। इस बास्केट को भी मैं इसी शेल्फ पर प्लेस कर दूंगी। उसके बाद यह है बटर। इस हांडी में मैं दही रखती हूँ, उसको भी मैं इसी शेल्फ पर रख दूंगी। और यह है मिल्क। इस तरह से आपके डेयरी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फ्रेश रहते हैं। बटर को लेस देन 4 degrees Celsius में स्टोर करना चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा बटर कार्टन्स मैं फ्रीजर डोर में रखती हूँ। समर्स में हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जूस, लेमोनेड, बटर मिल्क ये सब बना के रखना चाहते हैं,
लेकिन ग्लास जार्स जनरली काफ़ी ह्यूज होते हैं और उनको फ्रिज में रखना मुश्किल होता है। एंड ऑफ कोर्स वी कैन नॉट यूज स्टील और प्लास्टिक कंटेनर्स। सभी समर ड्रिंक्स को स्टोर करने के लिए आप ग्लास बॉटल्स ले सकते हैं, विच आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। ये 1000 ml बॉटल्स हैं विद एयर टाइट लिड। Now store your beverages worry free in less space. हम सभी लोग समर्स और मॉनसून में अपने एक्स्ट्रा स्पाइसेस को फ्रिज में स्टोर करते हैं, लेकिन आप कभी भी उन्हें इस तरह से ओपन बास्केट में स्टोर मत करिए, क्योंकि इससे स्पाइसेस की पंजेंट स्मेल पूरे फ्रिज में सर्कुलेट होगी। स्पाइसेस को हमेशा क्लोज्ड बॉक्स में ही स्टोर करें, या फिर आप इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ब्रेड बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्पाइसेस की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कोई भी कंटेनर चूज़ कर सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो एयर टाइट हों। फॉलोइंग दिस टिप विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द स्मेल इन अ फ्रिज। इसके अलावा कम यूज़ होने वाले स्पाइसेस जैसे कि पाव भाजी मसाला, इनको हम एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर डोर में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी सीजनिंग की स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ें, उनको भी आपको फ्रिज में ही स्टोर करना चाहिए, स्पेशली इन मॉनसून। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रिज मैट्स। हम में से ज़्यादातर लोग फ्रिज में शेल्फ्स के ऊपर मैट्स प्लेस करना प्रेफर करते हैं। इससे दो प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्स यूज़ करने से फ्रिज के शेल्स पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते, एंड सेकंड ऑफ ऑल, मैट्स को क्लीन करना कंपैरेटिवली इजी होता है। इसके लिए आई हैव अ सजेशन। आप कभी भी ओपेक या फिर डार्क कलर के मैट्स मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे लोअर शेल्स की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट निल हो जाती है। ऊपर से देख के आपको कभी नहीं पता लगेगा कि नीचे के शेल्स में पीछे की साइड क्या रखा हुआ है। और जब चीज़ें ठीक से विजिबल ही नहीं होंगी, देन देर इज़ अ हाई चांस कि हम उनको रख के भूल जाएं और वो ख़राब हो जाएं। इसका रिजल्ट होगा वेस्टेज एंड स्मेल। इसलिए आप हमेशा इस तरह के ट्रांसपेरेंट मैट्स ही यूज़ कीजिए, जो कि सेम पर्पस सॉल्व करते हैं, और साथ में आपको हमेशा दिखता रहेगा कि फ्रिज में कौन से शेल्फ पर कौन सी चीज़ रखी हुई है। इस तरह से कोई वेस्टेज भी नहीं होगी। Also, please make sure कि आपके mats air vents को cover ना करें। My next tip is कि आप अपने ice box में एक ice cube tong ज़रूर रखें। इस तरह से ice को serve करना बहुत convenient हो जाता है। अगर आपके पास ice box नहीं है, या फिर extra ice के लिए आप ये वाली ice trays use कर सकते हैं। These are ergonomic ice trays and they have multiple features. सबसे पहले इसका सिलिकॉन बॉटम है, जिससे आप सिंगल आइस क्यूब को पॉप आउट कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके टॉप पर ये लिड है, जिससे आप एफर्टलेसली अपनी आइस ट्रे को फिल कर सकते हैं। वंस यू आर डन, आप इसके लिड को क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद अगर आप इसको शेक भी करेंगे तो भी पानी काउंटर टॉप पर या फिर फ्लोर पर नहीं गिरेगा, विच मीन्स नो मेस एट ऑल। एंड फाइनली, दे आर ऑल्सो स्टैकेबल, जिससे आप उसी स्पेस में मल्टीपल आइस ट्रेस रख सकते हैं। हमारी आइस फ्रीज हो चुकी है, तो आइए इसको एक बार यूज़ करके भी देख लेते हैं। एंड लुक हाउ ईजी इट इज। हम में से कुछ लोग कॉफ़ी को फ्रिज में स्टोर करते हैं, लेकिन मॉनसून में जैसे ही हम कॉफ़ी को फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं, तो विद इन सेकेंड्स पूरे जार पर, इवन रिम पर मॉइस्चर कलेक्ट हो जाता है। इससे चाहे हमने कॉफ़ी को एयर टाइट कंटेनर में ही क्यों ना रखा हो, वो तब भी हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी टिप है। आप बस एक रबर बैंड ले लीजिए और उसको इस तरह से रिम पर लगा लें। उसके बाद लिड को टाइटली क्लोज कर दें, एंड यू आर डन। और उसके बाद आपके किचन में जो भी कैबिनेट गैस स्टोव से और सिंक से दूर है, आप वहाँ इस कॉफ़ी को स्टोर कर सकते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट कि हम फ्रिज की सरफेस को, यानी कि इसको बाहर से किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये मैग्नेटिक हुक्स लिए हैं, जो कि काफ़ी स्टर्डी हैं,
और इनकी ग्रिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर हम अपना जार ओपनर, बॉटल ओपनर, अवन ग्लव, एप्रन, लंच बैग और ग्रोसरी बैग, ये चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। या फिर हम इस पर अवन ग्लव और एप्रन के साथ अम्ब्रेला, किचन नैपकिन, फैब्रिक बैग्स और लंच बैग, इन सब चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। फ्रिज की स्पेस को यूज़ करने का ये एक बहुत ही स्मार्ट वे है। और जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, आप इस तरह के मैग्नेटिक शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्सट्रीमली यूज़फुल हैं। इस पर आप अपनी मील प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी ग्रोसरी लिस्ट बना सकते हैं और अपने रिमाइंडर्स भी नोट कर सकते हैं। Now we will talk about storing medicines. This is not very common, लेकिन कुछ घरों में specific medicines हमेशा फ्रिज में ही स्टोर की जाती हैं, जैसे कि इंसुलिन या फिर इवन आई ड्रॉप्स। सो ऐसे में उन medicines को carefully स्टोर करना भी बहुत important है। Let's see how we can do that. इसके लिए आप अपनी सभी medicines को एक airtight container में ही स्टोर करें। इस तरह से अगर कोई स्पिलेज हो भी जाता है तो उससे आपके फूड आइटम्स कंटेमिनेट नहीं होंगे। नाउ मेडिसिंस को स्टोर करते हुए ध्यान रखिए कि टेम्परेचर में जितनी कम फ्लक्चुएशन होगी उतना बेटर है, इसलिए आप उन्हें कभी भी फ्रिज के डोर में मत रखिए, क्योंकि जितनी बार फ्रिज का डोर ओपन होगा उतनी बार मेडिसिंस टेम्परेचर चेंज को फेस करेंगी। सिमिलरली उनको ऐसे शेल्फ में ना रखें जिसके अंदर एयर वेंट हो, इससे आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो सकते हैं और मेडिकेशंस डैमेज भी हो सकती हैं। इसलिए अपने मेडिसिंस को एयर वेंट से दूर ऐसे शेल्फ में स्टोर करें जहां पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मिनिमम हो। एंड फाइनली माय लास्ट स्टेप इज़ कि आप अपने फ्रिज को कभी भी ओवरफिल मत करिए, इस तरह से फ्रिज में एयर प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाती है। अपने फ्रिज को डीक्लटर्ड रखिए, इस तरह से न सिर्फ आपके फ्रिज की फंक्शनिंग बेटर होगी बल्कि आपके फूड आइटम्स भी लॉन्गर टाइम के लिए फ्रेश रहेंगे। ऑल्सो अपने फ्रिज में थोड़ी सी स्पेस ज़रूर खाली रखिए, सो दैट अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रखनी पड़े तो आपको उसके लिए स्पेशली स्पेस क्रिएट ना करनी पड़े। सो गाइज, ये थी वो टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने फ्रिज में और भी ज़्यादा सामान ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। इनमें से सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।